हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूं, जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक और मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चार बार इसे खा लो। कमजोरी, गठिया, बदन दर्द, खून की कमी, बुढ़ापा आपके पास भी नहीं आएगा। आज मैं आपको ऐसे सुपर फूड को बताने जा रही हूँ जो आपने घर पर खुद बनाना है। इसे घर पर बनाने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत है। आप इसे जानकर खुद हैरान हो जाएंगे। ये बात सच है कि अगर आपके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, आपके भी बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, आप इनका इलाज करके थक चुके हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ही लटकी सी, ढीली सी हो चुकी है, त्वचा पर झुर्रियां आ गई हैं, अगर स्किन पर कोई चमक नहीं रही, आपके अंदर खून की कमी हो चुकी है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, उसमें से आवाज आती है जब आप चलते हैं, इसके अलावा अगर आप भी अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, तो ये सुपर फूड बहुत फायदेमंद है। ये हमारे वजन को भी घटाता है, एंटी एजिंग काम करता है हमारी बॉडी के लिए, त्वचा पर झुर्रियां नहीं आने देता, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, फेस पर पिंपल नहीं आने देता। एक प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है वो है आर्टरीज में ब्लॉकेज, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो ये चीज जो ये सुपर फूड हम घर पे बना रहे हैं, ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, बालों को झड़ने से रोकता है। तो बात करते हैं ऐसे ही जबरदस्त चीज के बारे में। इस सुपर फूड को घर पे बनाने के लिए हमें चार इंग्रेडिएंट चाहिए, और इनका यूज कैसे करना है गर्मियों में आपको ये भी बता दूंगी। लेकिन अगर आप कोई भी इंसान मेरी वीडियो अगर सर्दी में देखेगा, तो फिर इसका यूज कैसे करना है ये भी बता। तो सबसे पहली चीज है अलसी। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमें बीमारियों से बचा कर रखते हैं। हमने 50 ग्राम अलसी बीज लेते हैं। मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी कि गर्मियों के दिनों में इसका सेवन कैसे करना है और सर्दियों के दिनों में इसका सेवन कैसे करना है। दूसरी चीज जो हम ले रहे हैं वो है सूखा हुआ नारियल पाउडर। इसका सबसे बड़ा काम है हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर करना। इसके अंदर अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो हमारी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद है। साथ में इसमें डाइट्री फाइबर होता है जो हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। नारियल का पाउडर हमारी बॉडी में से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। इसे लेने से हमारी स्किन पर ग्लो आता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिनको भी बवासीर रहती है उनके लिए इस चीज का सेवन करना काफी फायदेमंद है। अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तब भी इसका सेवन आप जरूर करिए, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में सेलेनियम होता है। आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तब भी आपको नारियल पाउडर का सेवन जरूर करना चाहिए। आपने नारियल पाउडर भी 50 ग्राम लेना है। वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हेल्थ से संबंधित ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरी चीज जो हम यूज कर रहे हैं वो है मिश्री। मिश्री हमने 25 ग्राम लेनी है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो मिश्री का इस्तेमाल नहीं करें, और मिश्री जो आप ले रहे हैं वो धागे वाली मिश्री ही लेनी है। चौथा इंग्रेडिएंट जो हम यूज कर रहे हैं वो है बादाम। बादाम के फायदे ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। इसे आपने 50 ग्राम लेना है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, स्किन को हेल्दी रखता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है जो हमारे मसल मास को बनाता है और हड्डियों को मजबूती देता है, बालों की स्कैल्प को तंदुरुस्ती देता है। बालों की स्कैल्प के अंदर जो ड्राइनेस आ चुकी है उसे दूर करता है। अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। बादाम के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है जो हमारी मांसपेशियों को मजबूती देता है और ब्रेन फंक्शन को एक्टिव करता है। तो अब बात करते हैं हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हम इसका इस्तेमाल सर्दियों में करें तो हम इन चारों चीजों को, यानी 50 ग्राम अलसी, 50 ग्राम नारियल पाउडर, 25 ग्राम हमने जो मिश्री ली है वो, और 50 ग्राम बादाम, इनका पाउडर बना लीजिए, और एक चम्मच आपने दूध के साथ सुबह नाश्ते में ले लेना है। अगर आप नाश्ते में नहीं लेना चाहते तो आप इसे ही रात को सोते टाइम एज इट इज ले सकते हैं, यानी एक चम्मच इसमें से गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। लेकिन अब जैसे गर्मियां चल रही हैं तो आप इनका पाउडर बनाकर एज इट इज नहीं रख सकते, लेकिन हाँ आप मिश्री का और नारियल पाउडर जो है वो एक साथ रख सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, आधा चम्मच अलसी लेनी है, उसे 3 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। इसके साथ आपने अलग से 5 से 7 बादाम भिगो देने हैं और उसे छील लेना है। अब आपने क्या करना है, बादाम का पेस्ट बना लीजिए, और जो अलसी है उसका अगर आप चाहें तो उसका भी पेस्ट बना सकते हैं, नहीं तो आप पाउडर बनी हुई अलसी को भी भिगो सकते हैं। तो फिर आप इन चारों चीजों को मिक्स करके दूध में मिक्स कर लीजिए, या फिर ऐसे ही दूध के साथ ले सकते हैं सुबह नाश्ते में, या फिर रात को सोते टाइम।
तो ये बहुत ही आसान तरीका है बॉडी में खून को बढ़ाने का, जोड़ों के दर्द को दूर करने का, गठिए जैसी प्रॉब्लम को दूर करने का। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।